ट्रांसपोर्ट लाइव पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गुरदित सिंह, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट लाइव। तो दोस्तों, आपको भलीभांति पता है जब ये ढाबा खुला था तो यहां पे हम जरूर पहुंचे थे उद्घाटन के ऊपर। तो कुलदीप भाई का ढाबा जो ट्रक चालक भी है, तो आज एक बड़ी तगड़ी घटना हुई है इनके साथ में। एक जो इनका खलासी सा कनेक्टर कह सकते हैं, 2.5 साल से इनके यहाँ जो परमानेंट काम करता था, तो कैसे दिया उसने वारदात को अंजाम। तो कुलदीप भाई हमारे साथ जुड़ जाए। कुलदीप भाई, ट्रांसपोर्ट लाइव के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है जी। क्या बात हुई है, कौन था बंदा, सारी चीज़ें बताइए। हाँ जी, अपना ये ढाबा है घनौली से, अपना ये नालगढ़ रोड पे है। हाँ जी, घनौला गांव पड़ता है, सैनी पंजाबी ढाबा है। हाँ जी, हाँ, तो हमारी बातचीत पहले भी हो चुकी है, जब उस टाइम ओपनिंग हुई थी। हाँ जी, उस टाइम भी आप आए थे। हाँ जी, तो ये झारखंड का है, रहने वाला लड़का ये। अच्छा, तो 2.5 साल से तकरीबन हमारे साथ था, पहले गाड़ी पे था, खलासी था हमारा ये। हाँ जी, जो तस्वीर है स्क्रीन के ऊपर देख सकते, क्या नाम है, कितनी उम्र है इसकी? पंकज महतो इसका नाम है। अच्छा, पंकज महतो। और ये तकरीबन 18 से 19 साल का है। अच्छा जी, इसकी इतनी एज है। हाँ, तो हमारे घर पे भी रहता था ये। हाँ, ढाबा करने से पहले जैसे हम गाड़ी का चक्कर लगा के आते हैं, तो घर पे रहता था। हाँ जी, रात को आके गाड़ी में सो जाता था, पूरा दिन घर पे रहता था, पूरा ये विश्वास बनाया हुआ था। हाँ जी, चलो हम भी पूरा विश्वास करते थे कि चलो बच्चा है, अपने बच्चों की तरह रखते थे इसको, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे। हाँ जी, तो भी सुबह जब ढाबे पे आए हैं। हाँ जी, इसको पहले मैंने गाड़ी पे रखा था, बोलता कि नहीं मैं ढाबे पे रहूँगा, ठीक है, ये अपनी मर्जी से ढाबे पे रुका है इसको। तो मैं चलो ठीक है भाई, तुम ढाबे पे रुक जाओ, कोई बात नहीं है। हाँ जी, तो जब हम सुबह आए इधर, मैं बड़ा ब्रदर है मेरे हरदीप सिंह। हाँ जी, तो कभी ढाबे पे वो रहता है, बड़ा भाई रहता है, कभी मैं रहता हूँ। हाँ जी, तो हम सुबह आए तो हमने देखा यहाँ पे आके दरवाजे खुले हैं, बिस्तर लगा हुआ है। हाँ, तो मैं भाई को बोल रहा हूँ कि पंकज दिखाई नहीं दे रहा है, ना एक्टिव है, स्कूटरी है हमारी। हाँ जी, HP12G5801 नंबर है उसका। स्क्रीन के ऊपर आप तस्वीरें भी देख सकते हैं स्कूटरी की, क्योंकि स्कूटरी जो इतनी दूर नहीं ले जा सकते, यही जो रोपड़ वाले एरिया में कहीं खड़ी है, तो भाई को जरूर बता दी जाए। हाँ, ये भी आपसे अपील है मेरी। तो हमने क्या देखा, चलो हमने सोचा चलो यहाँ पे पास में किराने की दुकान है, वहाँ पे जाता रहता है सामान लेने के लिए, चलो सामान लेने गया होगा। तो उतने में एक हमारे इधर गांव के लड़के हैं, इधर घनौला गांव के, वो टैंकर चलाते हैं। हाँ जी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में। हाँ, तो उनके जो खलासी हैं वो यहीं पे तकरीबन आते जाते रहते हैं। हाँ जी, तो उनमें से एक लड़का आया, वो बोला कैसे करके भाई आपका कनेक्टर गाड़ी का डीजल निकाल रहा था। अच्छा, और डीजल चोरी कर रहा था। डीजल चोरी कर रहा था और उसने दारू पी रखी थी। अच्छा, उससे खड़ा भी हो नहीं पा रहा था। हाँ जी, तो मैंने उसको बोला कि भाई उसी टाइम हमारे को कॉल करता, हम उसी टाइम आके उसको पकड़ते। हाँ जी, ठीक है ना। तो चलो वो बोले कि हमने चलो छोड़ दिया उसको, चलो सुबह आएंगे तो सुबह बात करेंगे। हाँ जी, तो मेरे को लगता है कि वो अकेले के काम उसका है नहीं वो। हाँ जी, क्योंकि उसने जैसे बता रहे थे दारू बू पी रखी, खुद खड़ा नहीं हो पा रहा था वो। हाँ जी, और 2-3 बार तो बोले कि हमारे सामने गिरा भी नीचे वो, हमने पकड़ के खड़ा किया। तो मेरे को नहीं लगता कि वो एक्टिवा चला के कहीं जाने लायक था। जो हाँ, बंदा अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता था, इतनी पी रखी थी। हाँ जी, वो एक्टिवा कैसे ले जा सकता है? मेरे को तो ये कोई इनका कोई या ग्रोक है बोल लो। हाँ, या कोई इधर का लोकल बंदा बोल लो। हाँ जी, जो इससे डीजल खरीदता था। तो एक बार कैमरामैन को बोल देते, इधर दिखा दीजिए ट्रक, यहाँ पे रात को खड़े थे इस तरफ, जो आप देख सकते हैं तस्वीरें जो है, जो यहाँ पे हमेशा इनका ढाबा है, जो यहाँ पे जो ट्रक वगैरह खड़े रहते हैं हमेशा। हाँ जी, इधर हमारी अपना बंदे तसल्ली बख्श गाड़ी लगा के चले जाते हैं ऐसे। हाँ जी, चलो कोई बात नहीं, विश्वास करते हैं। हाँ, बोलते हैं कि हाँ चलो हम भी खुद भी गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी मालिक हैं, हम भी जाते हैं, तो हम भी ढाबे पे विश्वास के साथ सो जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इधर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, वही विश्वास बंदे हम पे करके जाते हैं, अपनी गाड़ी 2-3 दिन 4-4 दिन गाड़ी यहीं पे खड़ी रहती है। बहुत लड़के हैं कि घनौला गांव के, जो इधर लोकल नालागढ़ ट्रक यूनियन में गाड़ी चलाते हैं। हाँ जी, वो तकरीबन हमारे पास इधर ही गाड़ी खड़ी करके जाते हैं। सर, कितना नुकसान कर गया आपका वो बंदा? अभी 8,000 तो हमारा वो गले में से निकाल के ले गया। अच्छा जी, जो कैश पड़ा था। हाँ जी, और एक्टिवा ले गया। हाँ जी, हाँ जी। तो एक्टिवा क्या मॉडल है, क्या उसकी थोड़ी शक्ल सूरत? 15 मॉडल एक्टिवा है। हाँ जी, समझ लो 12 से 15 हज़ार के करीब एक्टिवा होगी। हाँ जी, हाँ जी, वो थोड़े दिन हुए हैं, उसका एक्सीडेंट भी हुआ था, लड़का खुद चला रहा था। चलो हमने बोला कि रोने लग गया मेरे पास आके वैसे करके एक्टिवा टूट के। मैं उसको बोला कि भाई फिक्र मत कर, कोई बात नहीं, तू सही सलामत है ना, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, कोई बात नहीं, एक्टिव है,
टूटी है कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी ये, तेरा चोट तुम्हारे को चोट तो नहीं लगी ज्यादा, बोलता नहीं मैं ठीक हूँ, टेंशन मत ले, ठीक है। हम तो अपने बच्चों को जैसे रखते, जैसे अपने बच्चे रखते हैं ना, हमने तो वैसे रखा हुआ था, कोई खाने पीने की दिक्कत नहीं थी, कभी भी पैसे मांगता तो उसको पैसे निकाल के देते थे, उसके भरोसे छोड़ रखा था हमने, एकदम एक तरह का विश्वास बना रखा था कि जैसे मेरा घर का मेंबर होता है। तो भाई का काफ़ी कर गया नुकसान, एक्टिवा की जो संख्या है वो बता दीजिए भाई, क्योंकि जो हमारे दर्शक है वो ज़्यादातर हिमाचल और पंजाब के हैं और दिल्ली के हैं, तो भाई का जो एक्टिवा उसकी थोड़ा एक बार जो नंबर बता दीजिए। एक्टिवा का नंबर है HP12G5801, HP12G5801 है ना। हाँ जी, ये एक्टिवा भाई कहीं भी दिखे, किसी को भी दिखे भाइयों, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कुलदीप भाई का नंबर भी हम डाल रहे हैं वीडियो के ऊपर, कहीं भी ये व्यक्ति दिखे आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। सर कोई इनाम वगैरह भी लगाना चाहते हैं आपसे, मैं थोड़ा पूछना चाहता हूँ भाई, देखो 1100 या 2100 का जो अगर कोई ढूंढ के दे दे आपको, भाई अगर कोई ढूंढ के दे देगा, लड़के का भी पता बता देगा, हाँ जी, तो इनाम का हकदार तो बनता है वो, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जितना हमसे होगा हम उतना भाई के लिए करेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये थे, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें इंसानियत के नाते, क्योंकि और भी किसी का किसी ढाबे पे जाके किसी ट्रक चालक के साथ खलासी बन के ये जा सकता है और ट्रक चालकों का जो बड़ा जो लॉस कर सकता है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, अगर हमारा चैनल यूट्यूब पे दे रहे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर फेसबुक पर दे रहे तो पेज को जो फॉलोवर और लाइक कर दें। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट लाइव देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।